चाय दे दो। हाँ आई। ये लो। तुम्हारा? तुम पकड़ो, मैं ला रही हूँ। हाँ, दोपहर को क्या खाओगे? आज लगता है बारिश होगा। अब बोलोगे भी? एक काम करो, खिचड़ी बना दो। अरे, आला दिन का चिराग है क्या मेरे पास? जो खिचड़ी बोला और खिचड़ी आ गया। एक सोच समझ कर तो फरमाइश करो। अजीब बात है, खिचड़ी बना दो। अरे, तुम पूछा बोल के ही तो बोला। मैं पहले से थोड़ी ना बोलने गया। पूछने से कुछ भी बोलोगे? अपना अकल बेच खाए हो क्या? खिचड़ी का सामान है कि नहीं देखो तो पहले। अरे बाप रे। अरे मुझे क्या पता कौन सा सामान है या नहीं है। और कौन सा पुलाव या बिरयानी मांगा है? खिचड़ी ही तो बोला है। दाल चावल उबाल दो, हो जाएगा बस। हो जाएगा बस, बोलने के लिए तो मेहनत नहीं लगता। दाल चावल उबाल दो और फिर खाते वक्त गोविंद भोग चावल ना होने से खिचड़ी अच्छा नहीं लगता। मूंग दाल छोटा होने से टेस्ट अच्छा रहता है। थोड़ा गाजर और टमाटर, फिर फूल गोभी, कुछ भी डाला नहीं। थोड़ा देसी घी होने से अच्छा होता। फिर आलू भुजा, बैगन भुजा, ये वो ऑमलेट, ये सब क्या आसमान से टपकेगा? लाके दे दो, मुझे क्या, बना दूंगी खिचड़ी। नाना, अभी फिर से मेरा घुटनों में दर्द हो रहा है, जो है वही पका दो। लेकिन परसों ही तो बाजार लाया, सभी सामान तो रहना चाहिए। तो क्या, मैं खा गई तुम्हारा सब सामान बैठ बैठ के? अरे मैंने ऐसा कब कहा? और नहीं तो क्या, कौन है इस घर में? सभी तो चले गए, खाली मैं बैठी हूँ तुम्हारा सब कुछ खाने के लिए। मुझसे गलती हो गया, अभी माफ कर दो। जो इच्छा है पकाओ या तो छोड़ दो, पानी पी के मैं रह जाऊंगा। हाँ हाँ पता है, मैं तो सिर्फ पानी ही पिलाती हूँ तुम्हें। शुरू किया रहना मुश्किल हो जाएगा। मैं थोड़ा पंडित जी का घर से हो आता हूँ। हाँ, खिचड़ी का ऑर्डर देके अब चले साहब हवा खाने। अभी और घुटनों में दर्द नहीं है। दर्द? जिधर जा रहे हो इसी खिचड़ी खा के आ जाना। पानी पी के रह जाऊंगा। अभी चुप भी हो जाओ मेहरबानी करके। एक बात जो शुरू हो गई दिन भर चलती रही। जी जी, भगवान ही जाने क्या पाप किया था। आ गए मोहल्ला घूम के? अरे पंडित जी का बेटा बनारस से आया है, देखो
कितना सारा मिठाई दे दिया जबरदस्ती। खा लो, खुद का बेटों का मिठाई तो नसीब नहीं हुआ। अच्छा होता मैं भी निकल सकती घर छोड़कर उन लोगों का जैसा, फिर अकेला बैठ बैठ के जितना चाहे खिचड़ी बनाते और खाते। बाबूजी, हाँ बाबूजी, मुझे मुझे कुछ बातें करनी है आपसे। बैठो बैठो ना बेटा, बैठो। अजी सुनती हो, बाबू का चाय भी मेरे पास भेज दो, इधर ही। अच्छा ठीक है, बैठो ना, बैठो। बोलो बेटा। कंपनी का क्वार्टर मिला है, सोच रहा था कि शिफ्ट हो जाऊंगा। असल में इधर से जर्नी भी बहुत हो जाता है और, लेकिन आधा घंटा का ही तो रास्ता है बेटा। हाँ पर बिट्टू को छोड़कर तेरा बाबूजी भी, तो बाबूजी के लिए बिट्टू का लाइफ बर्बाद कर दूं? छोटा बेटा का तो लाड प्यार से बिगाड़ के रखा है। अबे बिट्टू बिट्टू कैसे कहेगा बिट्टू इस घर में रहकर? दीपक, गली गलौज करना, शराब पीना, अय्यासी करना, शरीफ लोगों का जगह ही नहीं इस घर में। दीपक, अच्छा अच्छा ठीक है बाबा, ठीक है, जैसे तुम लोगों का सुविधा हो। देखो कल सुबह ही निकलेंगे हम लोग, और हाँ पैसा भेजते रहूंगा हर महीना। दादाजी दादाजी, मुझे कहीं नहीं जाना। बिट्टू इधर क्या कर रहे हो? चलो मम्मी। अंदर चलो। बहू ज्यादा सर पे चढ़ गए हो तुम ना। हाँ पापा को गुस्सा आने से क्या होगा पता है तुम्हें? चलो बहू अंदर चलो। चलो बहू, यही सब खराब चीज सीख रहे हो इस घर से। ये सभी अय्याशी इधर नहीं चलेगा, तुम्हारी वजह से घर का सब लोग चला जाएगा, ये नहीं हो सकता। शरीफ आदमी के बीच रहना है तो सही तरीके से रहना पड़ेगा। शरीफ लोग? कौन सा शरीफ लोग? जो सराफत का नकाब पहनकर घूमता है वो शरीफ लोग? और छोटा छोटा मतलब के लिए सारी जिम्मेदारी और रिश्तों को ठुकरा कर कुछ भी कर सकता है अपने मतलब के लिए वो शरीफ लोग? शरीफ लोगों के बीच में मेरा दम घुटता है। बेटा माँ, बेटा बेटा बेटा, इतना रात को कहाँ जा रहा है? सुन तो। अजय अजय रुक जा, लोगों के साथ नहीं रहना है। बेटा सुन, कोई रोता है। थोड़ा प्यार से तो समझा सकते थे, इस हालत में उसको कहाँ निकल दिया? कोई तो था घर में, अब वो भी खाली कर दिया। क्यों कोई बजा किसी को, न जाने क्या क्या कह जाता है।
इधर ही खड़े रहोगे या नहाओगे भी? अच्छा, जो हुआ उसमें दोस्त सब मेरा है ना? दोस्त सब मेरा है जो तुम्हारे साथ घर गृहस्थी निभा रही हूँ। जब से इस घर में आई हूँ चक्की पीस रही हूँ। उम्र बीत गया मेरा रसोई में खाना पकाते पकाते। ना तुम्हारा जी भरा ना तुम्हारा पेट भरा। बात को कहां से कहां खींच रही हो? घर आके ही भूल हुआ मेरा। किस घर में खाना पक रहा है तुम्हारा? उधर ही जा सकते थे। ज्यादा बहस ना करके जल्दी से नहा के खाना खा के मुझे उद्धार करो। हाँ, सबको उद्धार करने का ठेका तो मेरा ही है। सामान सब कहां से मिला? सब था तो घर में। सब कुछ घर में ही था। खिचड़ी ही बनाना था तो सुबह से इतना झगड़ा क्यों किया? आदत। कुछ कुछ आदत, आदत सी हो गई है। ऐसे भी किसके साथ झगड़ा करूं, किससे प्यार करूं और किसको लेके वक्त गुजारूं? लेकिन बेटा, बहू, पोता सब तो चले गए एक एक करके। तुम्हारा तो फिर भी बाहर का एक दुनिया है, मेरा क्या है? कौन है तुम्हारे सिवा? कुछ कुछ आदत ऐसे भी है, दूसरों को दुख दे जाता है, लेकिन वही से कोई अपना हम छुपाता है। कुछ कुछ आदत ऐसे भी है, दूसरों को दुख दे जाता है, लेकिन वही से कोई अपना हम छुपाता है। कोई हंसता है, कोई रोता है, कोई गुमसुम रह जाता है, कोई बेवजह किसी को न जाने क्या क्या कह जाता है। जा किसी को न जाने क्या क्या कह जाता है। फिर एक दिन यही याद मजबूरी बन जाता है, लेकिन वही से कोई अपना छुपाता है। कुछ कुछ आदत ऐसे भी है, दूसरों को दुख दे जाता है, लेकिन वही से कोई अपना छुपाता है।
40 साल से तो झेल रहे हो, और कुछ दिन झेल लो। कभी कभी आंसू नहीं दिखता है, आंखें सब कुछ कह जाता है, यादें हमें खींचे मगर जिंदगी नदी होके बहता। खिचड़ी ठंडा होने से अच्छा नहीं लगेगा, खा लो। और रात को क्या खाओगे अभी से बोल के रखो, शाम को अचानक पैर हिलाते हुए ऑर्डर करने से मैं नहीं बड़ा माफी, कोई अपना हम छुपाता है, कुछ कुछ बात ऐसे भी है, दूसरों को दुख दे जाता है, लेकिन वही से कोई अपना हम छुपाता है।